के नाजरीन प्रोग्राम न्यूज रूम के साथ मैं हूं ताहिर शक्ताई नाजरीन प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे जहां पिछले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे दजाल के हवाले से और आज के प्रोग्राम का मौजूद आपको बताते चले कि आज के प्रोग्राम का मौजूद है दजाल और बरमूदा तको बरमूदा ट्राइंगल के हवाले से भी बात करेंगे हमने पिछले प्रोग्राम को जहां छोड़ा था उसमें जिक्र था कि एक हदीस का कि जिसमें एक ईसाई जो मुसलमान हुआ और जब रसूल सल्लासम के पास पहुंचा तो उसने बताया कि उनका जहाज जब भटक गया उन लोगों का वह तीस लोग थे एक महीने के बाद वो एक जजीरे पर पहुंचे जहां पर उन्हें एक ऐसा शख्स मिला कि जो जानवरों की तरह था यानी कि उसका बहुत खुफनाक था फिर वहीं पर उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसका रसूल को बताया और उससे रसुल्ला ने यह बताया कि वह दजाल हो सकता है क्योंकि उसकी एक आंख जो है वो एक आंख से काना है और एक आंख डीले से बाहर है और वह इस तरह लटकी हुई है जैसे अंगूर लटका होता है तो रसुल्ला ने फरमा और किसी वक्त भीत हो जाएगा कि सूर्य काफ की शुरू की आयात जो है उनकी तलावत करोगे तो दजाल के फितने से महफूज रहोगे अब जब उस ईसाई की बात करते हैं मुस्लिम शरीफ की उस हदीस की हम बात करते हैं वह ईसाई जब मुसलमान हो गए तो उनकी जब बात करते हैं तो जजीरे की बात आती है सामने जजीरे के हवाले से दुनिया में दो जजायर जो हैं दो ऐसे एरियाज़ हैं जो बिल्कुल भी हमारी नज़रों से ओजल हैं पूरी दुनिया के लोगों के लिए वो एक मिस्ट्री है एक ऐसी कहानी है कि जहाँ खौफ इंसान पे तारी हो जाता है डर गालब हो जाता है अगर आप में से कोई सोचे या मैं सोचूं कि वहां हम जाएं उन जगहों पर तो खौफ होगा कि शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा ये खौफ हम पर नहीं ये पूरी दुनिया पर है आज के इस जदीद दौर में बरमूदा तकौन बरमूदा ट्रायंगल का खौफ जो है वो पूरी दुनिया पर है न सिर्फ बरमूदा ट्रायंगल है बल्कि एक और भी है ऐसी तकौन दुनिया में मौजूद है जो जापान के करीब मौजूद है उसको शैतानी तकोन कहा जाता है डेवल ट्रायंगल कहा जाता है यह शैतानी तकोन जापान के साइली शहर के करीब है योकोहामा से फल्पाइन के जजीरे तक है और फिर वहां से गवाम के पास पहुंचती है और फिर मारियाना जो एरिया है वहां पर पहुंचती है जापान के करीब और आपको बताते चलें कि दूसरी जंग अजीम के बाद इस जजीरे पर अमरीका का कब्जा है और अमरीका की आर्मी वहां मौजूद है जहां तक बरमुदा ट्रायंगल की बात करते हैं साथ हम ये सोचते हैं कि क्या दजाल बरमुदा ट्रायंगल में हो सकता है क्योंकि बरमुदा ट्रायंगल के हवाले से जो कहानियां हैं हमें अठारह में जो कहानियां सामने आई उससे पहले बरमुदा ट्रायंगल के हवाले से कोई इस किस्म के वाकत इक्का वाकत थे लेकिन चूंकि समुंदर जो है वो खुला था जदीद तर्ज की मशीनरी नहीं थी या बहरी जहाज़ नहीं थे जो उन समंदर में आने वाले तूफानों से बच सकते तो इस तरह की कहानियां पूरे समंदर में थी लेकिन उन्नीस सौ चौवन में एकदम से बड़ी तादाद में कश्तियों का गायब हो जाना बहरी कश्तियों का जो है वो गायब हो जाना और उस वजह से ये सामने मंजर आता है दुनिया के सामने अठारह में कि यहाँ जो बरमूदा है ये जो एरिया है यहाँ कुछ ना कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो ग़ायब की ताकतें हैं या ज़मीन से समंदर के अंदर से निकलने वाली कुछ बलाएं हैं आफतें हैं जो एकदम से उन चीज़ों को हड़प कर जाती हैं थोड़ा सा आपको पस मंजर बताते चलें कि आज तक जो है बरमूदा के हवाले से यह बात है कि कम से कम एक हज़ार समुंदी कश्तियाँ जहाज और हवाई जहाज़ जो हैं वो उसमें गायब हो चुके हैं बहुत सारे ऐसे जहाज भी थे कि जो सिर्फ खाली मिले हैं और अमला जो है उनमें से गायब था एक जहाज के हवाले से यह है कि तीन मिनट पहले जो है कंट्रोल रूम के साथ बहरी जहाज ने रबता किया और उन्होंने कहा कि हम पर खौफ तारी हो रहा है अगले ही तीन मिनट के अंदर वहां पर जो मौजूद करीबी कोस्ट गार्ड्स की जो टीमें मौजूद थी वो पहुंच गई वो कश्तियां उनकी मदद के लिए पहुंची तो जहाज का अमला गायब था वो लोग यूं था कि जैसे खाने के लिए बैठे हों और फिर यकदम ही कोई चीज ऐसी आई हो और उसने उनको उचक लिया हो तीन मिनट के अंदर उनके खाने की चीजें उनके मेजों पर उसी तरह मौजूद थी कुर्सियां थोड़ी सी पीछे थी जैसे कोई हादसा होने वाला हो और वो लोग उठे हों लेकिन किसी किस्म की कोई बगदड़ कोई लूटमार नहीं थी और जहाज बिल्कुल खाली था बहुत सारे वाकत ट्राइंगल के किसी एक कोने में गायब हुए हैं तो कुछ अरसे के बाद चंद सालों के बाद उसके दूसरे कोने से वो मिले हैं और उनमें अमला नहीं होता था लेकिन जहाज की तमाम तर चीजें मौजूद हैं लेकिन बहुत सारे जहाज ऐसे हैं जो बहरी जहाज और हवाई जहाज गायब हो गए हैं उन्नीस में इस एरिया को बरमुदा तकोन का नाम दिया गया बर्मुदा ट्राइंगल का नाम दिया गया आपको भी ये बताते चलें इसका पसमंजर है कि ये फ्लोरिडा है और साथ एटलांटा यानी कि जो बहरे है इसमें ये चीज मौजूद है 300 सौ जजीरों का ये एरिया है बरमूदा ट्राइंगल और इसमें से सिर्फ बीस जजीरों पर आबादी है चार साल से बाकी जो दो के करीब जजीरें हैं उन पर आबादी नहीं है ना ही कोई इंसान रहता है खौफ की वजह से वहां कोई नहीं जाता जो बीस जजीरे हैं उन बीस जजीरों पर भी बहुत कम लोग रहते हैं 1945 में जब मुसलसल जहाज गायब होना शुरू हो गए हवाई जहाज गायब होना शुरू हो गए तो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिका की हुकूमत ने इसको खौफनाक एरिया करार दिया और बरमूदा ट्रायंगल का नाम दिया अब जरा सा आप रुक जाएं और एक लम्हे के लिए सोचें और आप किसी दुनिया के हुक्मरान हों अगर आपको पाकिस्तान का हुक्मरान बनना पड़ जाए और आप फौरी तौर पर यह सोचें कि हम दुनिया में कोई ऐसा एरिया बना लें कि जहां पर हम तजर्बे करें लेबॉटरियां बना लें और वो दुनिया की नजरों से ओझल कर लें तो सबसे पहले आपके जहन में क्या चीज आएगी यकीन आपके जहन में सबसे पहली चीज यही आएगी कि, कि कोई ऐसा एरिया हो खुशकी से हटके समंदर का एरिया हो जहां कोई ना पहुंचता हो लेकिन आज दुनिया में कोई भी ऐसा एरिया नहीं जहां इंसान ना पहुंचता हो या सेटेलाइट के जरिए उसको देखा ना जाता हो तो फिर कोई ऐसा तरीका करना पड़ेगा आपको कि वहां पर लोगों में खौफ पैदा हो और वो उस तरफ ना जाएं क्या अट्ठारह में गायब होने वाले जहाजों के पीछे कोई इस तरह की इंटेलिजेंस एजेंसीज मौजूद हैं अमेरिका की या किसी दूसरे मुल्क की जो वहां बैठकर कर तजर्बे कर रहे हैं पूरी दुनिया को ये बाबर करवा रहे हैं कि इस तरफ ना आएं जब हमने दूसरा डेवल ट्रायंगल यानी कि शैतानी तकोन की बात की थी जो जापान के साइल के करीब मौजूद है योको के पास जहां मौजूद है तो वहां भी आपको यह बताया था कि वहां भी अमरीका का दूसरी जंग अजीम के बाद कब्जा है और बहुत सारे बहरी जहाज़ जो हैं वो गायब हो चुके हैं अब बरमूदा ट्राइंगल अगर हम ये कह दें कि वहां पर दजाल मौजूद है तो यकीन दजाल का राज जो है वो उसी वक्त जाहिर होगा कि जब खुदा चाहेगा दुनिया में दो ऐसी चीजें मौजूद हैं कि जो जब खुदा चाहेगा सामने आएंगी एक याजूज माजूज और दूसरा दजाल और फिर इमाम महदी का जब जहूर होगा तो वो हमारे सामने आएंगे तो वो भी इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं इस तरह इन राजों को खुदा ने हमारी आंखों से ओझल रखा हुआ है तो एक सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या दुजाल जब हमने जजीरे की बात की तो क्या दुजाल उसी जजीरे पर मौजूद है लेकिन अगर दुजाल उस जजीरे पर मौजूद है तो फिर ये सारे जहाज कहां चले गए और अगर जहाज जो मिले हैं उनमें से सिर्फ लोगों को क्यों उठाया गया क्या दजाल उन लोगों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था या फिर एक और आपको बताते चलें

एक कोहरे की सुरंग देखी उस सुरंग में मैं दाखिल होता चला गया और फिर मेरे दोनों तरफ सफेद सफेद आसमान था यानी एक कोहरा था एक धुंध थी जिसके अंदर में जा रहा था और, और अगले मेरे तमाम कंपास जो थे जहाज में दो कंपास हुआ करते हैं वो दोनों कंपास जो हैं जो डायरेक्शन बताते हैं वो काम करना छोड़ गए कंट्रोल गे। गे। टावर से रबता मेरा खत्म हो गया और फिर अगले ही लम्बे उस सुरंग से मुझे नहीं पता कि मैंने वो फासला कैसे तय किया बीस मिनट में म्यामी के ऊपर मौजूद था जब मैं उस कोर से बाहर निकला तो मैं मयामी पे मौजूद था क्या कोई ऐसी मौजूद है उस जगह पर, जो जहाजों को अपनी तरफ खींच लेती है इस चीज को हम यहाँ स्टाप करते हैं आपको एक और तजर्बे के हवाले से बताते हैं हमने अपने एक प्रोग्राम पर उसमें जब हम जल्जलों का जिक्र कर रहे थे उसमें 2005 के जल्जले की बात की और फिर हमने हार्प टेक्नोलॉजी का जिक्र करते हुए यह बताया था कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड के अंदर 26 से 27 किलोमीटर की एक सुरंग आज से कुछ अरसा पहले बनाई गई थी और सुरंग में बिग बैंग का तजर्बा किया गया दुनिया के सामने यह चीज थी कि यह कायनात वजूद में कैसे आई बिग बैंग के तजर्बे के हवाले से हमने इस प्रोग्राम में सवाल उठाए थे आप इंटरनेट पर यह प्रोग्राम मौजूद थे आठ अक्टूबर के जल्जले के हवाले से आप एजे के टीवी न्यूज रूम के हवाले से आप सर्च कर सकते हैं और उसमें यह चीज मौजूद थी वो दायरा जो रिंग बना हुआ था कि उसमें उन्होंने ये तजर्बा करके देखा था कि यह जमीन कैसे है सूरज के ये फटने वाला ये तमाम सिस्टम कैसे वजूद में आया था और वो तजर्बा किया गया था पिछले दो सालों के दरमियान अगर हम सवालों को आगे बढ़ाएं तो मजीद तजर्बे ये किए जा रहे हैं कि आने वाले दौर में और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी इस हवाले से मुख्तफ उन्हीं के चैनल ये बता चुके हैं कि टाइम मशीन की बात आ रही है सामने और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी मशीन बनाई जाए जिससे हम एक जगह से गुजरें और हम किसी दूसरे दौर में पहुंच पहुंचे हम आज बैठे हुए हैं और फिर हम एकदम असाब के दौर में चले जाएं या फिर हम फिरौन के दौर में चले जाएं और हम उनके बीच में खड़े होकर उसी को देखें या फिर आने वाले दौर का हम जिक्र करें आज हम सोचना चाहें कि 2000 साल बाद जमीन कैसी होगी या 200 साल बाद कैसे होंगे ऐसी टाइम मशीन बनाने के लिए तजर्बे हैं अब उस बिग बैंग की उस सुरंग के हवाले से जो बात सामने आ रही है वो ये भी कह रहे हैं कि उस सुरंग के अंदर हम यह कोशिश कर रहे हैं कि प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को स्पीड के साथ गुजारा जाए और फिर हम उसके जो ब्लास्ट करके जो चीजें बने उसे हम टाइम मशीन के लिए एक सुरंग बना लें जिसके हम एक कोने से दाखिल हों और वो सुरंग जो है दूसरे कोने पर हम एक अगले जमाने में दाखिल हो जाएं इस हवाले से उनके एक प्रोग्राम का जिक्र करूंगा कि एक टीवी चैनल पर उनका प्रोग्राम चला जो अमेरिकन थे उनका एक प्रोग्राम चला और उसमें उन्होंने टाइम मशीन के हवाले से डिटेल भी बताई और यह बताया कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जमीन के गिर्द एक ट्रेन चलाएं जब हम तुकोन के पास खड़े होंगे तुकोन के साथ सबसे पहले एहराम का जिक्र आता है यहूदियों के वो वहराम फिर वो एहराम हमारे सामने आते हैं तो जब एहराम मिस्र के पास खड़े होंगे तो एक बड़ी चीज के पास खड़े होकर तो वक्त का गुजरने का एहसास आपको कम होता है लेकिन जब आप दूर से देखेंगे और आपको वहां पर लोग स्लो नजर आएंगे जब आप एहराम के पास खड़े होकर बाहर के लोगों को देखेंगे तो आपको लोग स्पीड के साथ वक्त गुजरता हुआ तेजी से नजर आएगा यानी कि उनके अंदाजे के मुताबिक कि हम यह तस्वर कर सकते हैं कि कायनात के अंदर ऐसा सिस्टम डेवलप किया जा सकता है कि जमीन के दो दिन हो और वो जो शख्स है वो अपनी किसी मशीन में बैठा हो उसका एक दिन गुजरे जमीन में एक साल हो और उस शख्स का एक दिन गुजरे